हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों, पिछले 3 सीजन के बेकार परफॉर्मेंस को भुला देना चाहती है ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट, और इसी के कारण अभी से ही आईएसएल सीजन 10 की तैयारी में लग चुकी है ईस्ट बंगाल एफसी के मैनेजमेंट। तो दोस्तों, हाल ही में 21 से 22 भारतीय खिलाड़ियों का शॉर्ट लिस्ट जारी किया है, और साथ ही 10 विदेशी खिलाड़ियों को भी टारगेट किया है ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने आने वाले सीजन के लिए। तो दोस्तों, उन 21 से 22 भारतीय खिलाड़ियों को कर जिनको ईस्ट बंगाल एफसी ने टारगेट किया है, उनमें से काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है उनके क्लब के साथ, लेकिन दोस्तों एक खिलाड़ी ऐसा है जिनको ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट चाहे तो अपने टीम में कंफर्म कर सकती है। वो है जमशेदपुर एफसी के स्ट्राइकर ईशान पंडिता। तो दोस्तों, ईशान पंडिता काफी अच्छे फुटबॉलर है, मात्र 24 वर्ष ही है इनका उम्र और फ्यूचर स्टार है इंडियन फुटबॉल के। तो दोस्तों, काफी ज्यादा चांस है कि समर ट्रांसफर विंडो में ईस्ट बंगाल एफसी इनको अपनी टीम में शामिल कर ले, और तो और टीके मोहन बगान एफसी का भी नजर है ईशान पंडिता को अपनी टीम में शामिल करने में। तो दोस्तों, ईस्ट बंगाल एफसी ने जैसा एफर्ट अभी फिलहाल शॉर्टलिस्ट बनाने में डाला है, अगर थोड़ा एफर्ट समर ट्रांसफर विंडो में ईशान पंडिता को लेकर डालेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रांसफर कंफर्म हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक ट्रांसफर ऐसा है जो मुझे काफी बड़ा डाउट लगता है, जो एटीके मोहन बगान एफसी ने भी नहीं कर पाई थी। जी हाँ दोस्तों, सिटी फुटबॉल ग्रुप के अंडर में आने वाली आईएसएल की टीम मुंबई सिटी एफसी से किसी भी खिलाड़ी को एटीके मोहन बगान एफसी ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। जितना भी ट्रांसफर फी देना हो एटीके मोहन बगान एफसी ने देने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या कम बजट में ईस्ट बंगाल एफसी लार्लिन ज्वाला छंगटे को अपनी टीम में शामिल कर पाएगी? जो शॉर्ट लिस्ट बनाया है ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने, उस शॉर्ट लिस्ट में लार्लिन ज्वाला छंगटे का भी नाम है, और लार्लिन ज्वाला छंगटे का कॉन्ट्रैक्ट है मुंबई सिटी एफसी के साथ। तो दोस्तों, लार्लिन ज्वाला छंगटे का ट्रांसफर मुझे ऐसा लगता है कन्फर्म नहीं हो पाएगा, और सिटी फुटबॉल ग्रुप में है तो और भी मुझे डाउट लगता है। तो आप सभी का क्या राय है इस शॉर्ट लिस्ट को लेकर, आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।